20 अक्टूबर को अमेरिका के दो बंधक रिहा किए और 21 अक्टूबर को हजारों टन की राहत सामग्री गाजा के अंदर चली गई। क्या बंधकों की रिहाई और राहत सामग्री गाजा के अंदर भेजे जाने को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हमास के खूंखार आतंकवादी इसराइल से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानते हैं, फिर आखिर ये आतंकवादी इतनी जल्दी कैसे अमेरिका के दो बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए? ये वो सवाल है जिसके जवाब से बड़ा कूटनीतिक गेम डीकोड होने वाला है। पिछले 15 दिनों से इसराइल पूरे गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये जानते हुए भी कि गाजा के अंदर इसराइल के 200 से ज्यादा नागरिक कैदी हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। कैदियों में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, ये जानकारी भी इसराइल को है। लेकिन इसके बाद भी इसराइल की ये नीति रही है कि वो कभी भी आतंकवादियों के सामने झुकता नहीं है और बंधक बनाने के बाद दुश्मन के द्वारा खेले जाने वाले माइंड गेम के दबाव में नहीं आता है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही यानी हमास के अटैक के दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि इसराइल अब युद्ध में है। उन्होंने कहा था कि वी आर इन वॉर। तब से आज तक कभी भी बेनामिन नेतन्याहू ने बंधकों को लेकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। ये जरूर कहा कि अमेरिका और इसराइल साथ मिलकर बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने शायद बेनामिन नेतन्याहू के सख्त रवैये के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेट डील के तहत अपने बंधकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है। हमास ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के दो नागरिकों को मानवीय कारणों से छोड़ा है, लेकिन हमास के आतंकियों से मानव जैसे व्यवहार की उम्मीद करना बेमानी हो गए। दरअसल गाजा में भूख के बिना हमास के लड़ाके इतने परेशान हो गए कि उन्हें मजबूरी में दो बंधकों को छोड़ना पड़ा और आने वाले दिनों में भी इस तरह की उम्मीद हमास की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि इजराइल और दूसरे देशों का रुख बहुत कड़ा है हमास के खिलाफ। दरअसल लेबनन के एक अखबार neharnet.com पर हमास की योजना की असल खबर छपी है। लेबनन का ये अखबार लिखता है कि हमास की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने दो अमेरिकी बंधकों को इसलिए रिहा किया है क्योंकि बाइडेन की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया है कि राहत सामग्री के कुछ ट्रक गाजा के अंदर आएंगे और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा। मतलब साफ है कि आतंकवादी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे हैं और इसीलिए सीक्रेट डील के जरिए एक तरफ गाजा के अंदर राहत सामग्री को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दो बंधकों को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सीक्रेट डील में एक अहम किरदार कतर के अमीर भी हैं। याद कीजिए, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर का दौरा किया था और कतर के अमीर से मुलाकात की थी। इस दौरान क्या बात हुई इसकी फुल डिटेल नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी परतें खुलने शुरू हो गई हैं। दरअसल अमेरिका के दो बंधकों की रिहाई के बाद कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि आज रात अमेरिका के बंधकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बातचीत के बाद हुई है। प्रवक्ता का कहना है कि इसराइल और हमास के साथ कतर की बातचीत इस उम्मीद में जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधकों को रिहा कर देंगे। यानी बात बिल्कुल साफ है कि एक आतंकी संगठन हमास के बिचौलिए की तरह बातचीत कतर की सरकार कर रही थी। अब इस तरह हमास इसलिए कतर के कूटनीतिज्ञों की पीठ ठोकेगा कि राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक गाजा के अंदर पहुंच गए हैं और जाहिर सी बात है कि गाजा के अंदर जब ये ट्रक जाएंगे तो इन पर कब्जा आतंकियों का ही होगा, क्योंकि गाजा पर जमीनी कब्जा आज भी हमास के आतंकियों का ही है और ये कोई नई बात भी नहीं है। पश्चिम के मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी ये कहा गया था कि इसराइल पहले से दावा करता रहा है कि गाजा में जो राहत सामग्री भेजी जा रही है उसके आतंकियों के पास पहुंचने की बहुत उम्मीद है। इसराइल पहले भी ये कह चुका है कि जो ईंधन गाजा भेजा गया था उसे हमास के आतंकियों ने चुरा लिया और इसीलिए हमास के पास ईंधन का स्टॉक बन गया। पिछले एक हफ्ते से लगातार इसराइल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे और राहत सामग्रियों को गाजा के अंदर जाने दे, लेकिन इसराइल इसके लिए तैयार नहीं था और उसने दो बार रफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक भी की थी।
यही नहीं, इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भी बयान दे चुके थे कि अगर गाजा के अंदर राहत सामग्री नहीं जा पा रही है तो इसकी एक और वजह इजराइल की जिद है। इसराइल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुस्सा था जिनके सदस्यों को गाजा के अंदर हमास ने किडनैप किया हुआ है। इन पीड़ित परिवारों ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गाजा के अंदर राहत सामग्री तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक कि इसराइल के सभी 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाए। इस मांग पर नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया था क्योंकि शायद अमेरिका और कुछ साथी देशों का दबाव इसराइल पर था कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। पूरी उम्मीद है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से बात की होगी तब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिलाया गया होगा कि अगर हमास बंधकों को रिहा करता है तो इजराइल राफा बॉर्डर को खोलने के लिए राजी हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो इस पूरी डील में राजनीतिक नुकसान बेन्यामिन नेतन्याहू को हुआ है, इसराइल को रफा क्रॉसिंग खोलने से रणनीतिक नुकसान भी हुआ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन पहले नेतन्याहू के अंदरूनी राजनीति पर बात करनी जरूरी है। इसराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इसराइल के 21% लोग गाजा में हमला करने के विरोध में हैं, लेकिन 65% लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में 51% लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्ला के साथ जंग हो और 49% लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला के साथ भी जंग हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के लिए ये हुई है कि सर्वे के मुताबिक अगर आज इसराइल में चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू की पार्टी को करीब 20 सीटों का नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है कि बंधकों को रिहा किए बिना ही इतनी भारी मात्रा में गाजा के अंदर राहत सामग्री भेजे जाने से नेतन्याहू की लोकप्रियता इसराइल के अंदर और गिरने वाली है। लेकिन नेतन्याहू इसलिए मजबूर हैं कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए। युद्ध रणनीति के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि हमास के साथ लड़ाई इसराइल की लंबे वक्त तक गाजा में चल सकती है और गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए हमास को भी लंबे वक्त तक रसद चाहिए यानी खाना चाहिए। शायद इसीलिए जो राहत सामग्री रफा से गाजा के अंदर गई है उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश आतंकियों के द्वारा की जाने वाली है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि तमाम देश अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अगर आज अमेरिका डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन की सरकार होती और ट्रंप या कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता तो शायद वो हमास और ईरान के खिलाफ ज्यादा सख्त होता, लेकिन नेतन्याहू की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। डेमोक्रेट्स को अमेरिका में रिपब्लिकन के मुकाबले उदारपंथी माना जाता है। देखिए कैसे बाइडन ने पहले बेहद चालाकी से हमास से डील के तहत अमेरिका के दो नागरिकों को रिहा करवाया और फिर अमेरिका के अंदर राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों बंधकों से मुलाकात भी की है और स्वागत भी किया है। ये दोनों अमेरिकी बंधक 7 अक्टूबर को इसराइल के किबुत्स में थे जहां पर आतंकियों ने सबसे ज्यादा हिंसा की थी। यहीं पर नतालिया अपनी दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी लेकिन आतंकियों के कब्जे में चली गई। नेतन्याहू को तो काफी तगड़ा झटका लग गया है क्योंकि 15 दिनों से जो आतंकी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे थे उनके पास अब राहत सामग्री पर कब्जे का विकल्प मौजूद है। लेकिन बंधकों के परिवार में खुशी है, खास तौर पर नतालिया के भाई अपनी बहन की रिहाई से उत्साह में है। Complete shock today when we found out about Natalie and Judith. The media actually found out before we did, and so we were completely taken by surprise. And it was this overwhelming mixture of this happiness and sadness and guilt that there are still people that need to be rescued. ब्रिटेन और फ्रांस के नागरिक भी हमास की कैद में हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह गाजा में मारे जा रहे आम लोगों का एक दर्द है, ठीक उसी तरह से गाजा के अंदर हमास में मौजूद छोटे बच्चों के माता पिता का भी दर्द बहुत बड़ा है और रिहाई के इस मौके पर यह दर्द छलक आया। I've been waiting for this moment for a long time, for 2 weeks. I haven't been sleeping for 2 weeks. Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy. And she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand, but she told me it's nothing. She's okay. I spoke earlier with President Biden. I thank him for his concern, for his helping with the release of them.
कुल मिलाकर इसराइल और हमास के इस जंग में एक ग्रेट गेम चल रहा है, जिसका खामियाजा नेतन्याहू को भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू जैसा सख्त जान जिसने अपने भाई को जंग में खोया है, वो कभी भी इतनी आसानी से रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसला नहीं ले सकता था, लेकिन शायद अमेरिका का दबाव उनकी स्ट्रेटजी पर ज्यादा भारी पड़ा है।